IVF कब कराना चाहिए? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो हर कपल के सामने उनके दिमाग में गूंजता है जब वो प्रेग्नेंट नहीं होते हैं। कुछ गांवों में तो ये प्रचलन है कि 3 महीने ही नहीं हुए या 6 महीने नहीं हुए तो उनके जो सीनियर्स होते हैं, मीन्स उनकी सासें जो होती, दादी सास हुई या एल्डरली होते हैं, आसपास के लोग बोलना शुरू कर देते हैं कि भाई देखो वो तो प्रेगनेंसी नहीं आ रही, उसकी शादी हुई थी तुम्हारे बाद, वो तो प्रेग्नेंट हो गई, उसके घर में बच्चा आ गया। तो उस वक्त क्या होता है, एक कुंठा सी पैदा हो जाती है जो महिला होती है उसमें कि मेरे ही बच्चे नहीं ठहर रहे हैं, क्यों नहीं ठहर रहे हैं। तो इस चीज़ से बिल्कुल ही बाहर निकलना चाहिए और कपल्स को सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि हमें इस तरह की सोच अपने दिमाग से निकालनी चाहिए। मीन्स जिसको हम बोलते हैं कि अगर आप गलत सोचोगे तो गलत ही होगा। अगर कोई बच्चा पास नहीं कर रहा है एग्ज़ाम में और अगर आप उसको रोज़ बोलोगे कि तुम्हारी तो मानसिकता लेवल ही ख़राब है, तुम पढ़ नहीं सकते हो, तो वो कभी नहीं पढ़ सकता है। वो एक नॉर्मल जो सम्स लगा रहा था वो भी नहीं लगा सकता है। तो ये सबसे पहले नहीं करना चाहिए। पेशेंट को क्या करना चाहिए, कपल को, क्योंकि वो तो एक पेशेंट नहीं है, वो एक नॉर्मल ह्यूमन बींग है जो कि कंसीव नहीं हो पा रहा है। अब कंसीव मतलब कि प्रेगनेंसी नहीं होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो आप उसको खुद अपने पास बैठ के न सोचें और न ही आसपास वाले लोगों की सलाह लें, क्योंकि हर जो कपल होता है वो अलग होता है। जैसे हर बंदे की ज़िंदगी अलग होती है, वैसे हर कपल अलग होता है। तो आपको सबसे पहले एक अच्छे डॉक्टर के पास जा करके उनको दिखाना चाहिए, उनसे सलाह लेनी चाहिए, जो कि आपकी बेसिक सारे टेस्ट करेंगे। मीन्स एक बच्चे के ठहरने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। हमें सबसे पहले एक गर्भाशय चाहिए होता है जिसमें कि एक बच्चा पलता है। उसके बाद बच्चा पैदा होने के लिए क्या चाहिए होता है, एक अंडा और एक शुक्राणु, जिसकी मिलाप होती है उससे एक भ्रूण बनता है। तो अंडा के लिए हमें चेक करना होता है कि अंडे उस औरत में सही से बन रहे हैं कि नहीं। अगर आपके मासिक जो है, महीने हैं, ऊपर नीचे चढ़ के आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंडे ख़राब हैं। इसलिए जो फीमेल्स हैं, जो औरतें हैं जिनकी शादी हुई है, इनके महीने ऑलरेडी ऊपर नीचे चढ़ के आ रहे हैं, उनको इस चीज़ से डरना नहीं चाहिए कि अगर मैं अपने घर में डिस्क्लोज करूँगी कि मेरे महीने ऊपर नीचे आ रहे हैं तो मेरे अंडे में प्रॉब्लम है। ये डर दिमाग से निकाल देनी चाहिए और डरना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, बिकॉज अगर आप जितने देर से डॉक्टर के पास जाओगे, अगर ऐसी कोई शिकायत होगी जो और बढ़ जाएगी तो और प्रॉब्लमैटिक होगी। तो हमें अंडे की टेस्ट करनी होती है। उसके बाद अंडा जो है वो खुद से तो गर्भाशय में पहुँचता नहीं है, बिकॉज अंडेदानी तो गर्भाशय के बाहर होती है। अंडा को ट्रांसपोर्ट क्या करता है, एक ट्यूब, टेस्ट ट्यूब, ट्यूब जिसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, वो उसको ट्रांसफ़र करता है यूट्रस यानी गर्भाशय के अंदर। तो जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसकी टेस्ट होनी इसलिए बहुत ज़रूरी होती है। तो फैलोपियन ट्यूब की टेस्ट, गर्भाशय की टेस्ट, अंडे के टेस्ट और शुक्राणु के टेस्ट, ये चार हमारे बेसिक टेस्ट हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं देखने के लिए कि आप में बच्चा ठहर रहा है कि नहीं ठहर रहा है। अब जब ये टेस्ट आपके थ्रू हो जाते हैं तो ऑब्वियसली दो, इसकी दो ही मतलब आएंगी रिजल्ट्स, या तो ये परिणाम आएगा कि सब नॉर्मल है या ये परिणाम आएगा कि इसमें थोड़े से प्रॉब्लम है। अगर थोड़े बहुत प्रॉब्लम है, मीन्स अंडे की अगर थोड़े बहुत शिकायत होती है, तो वो एक डॉक्टर की मदद से, जब वो थोड़ी आपको मेडिसिन खिलाते हैं, दवाइयाँ देते हैं, तो वो ठीक हो जाती हैं। अगर गर्भाशय की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे गर्भाशय के अंदर कोई सेप्टम हो जाए या उसके अंदर कोई पॉलिप है, ग्रोथ है, तो उसको दूरबीन की सर्जरी वाला, दूरबीन की तकनीक द्वारा निकाला जा सकता है। उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप एक स्किल्ड डॉक्टर के पास जाओ जिनको कि इन सब चीज़ों की जानकारी हो। तीसरी चीज़ ये होती है ट्यूब में ब्लॉकेज। अगर ट्यूब में ब्लॉकेज होती है तो अक्सर पेशेंट को ऐसा देखा गया कि अगर 100% ट्यूब में प्रॉब्लम होती है तो ट्यूब्स बहुत ही रेयर केसेस में खुलती हैं, क्योंकि ट्यूब के अंदर छोटे छोटे रोए होते हैं जिनको हम सीलिया बोलते हैं, वो यूजुअली ख़राब हो जाते हैं। तो ट्यूब खुल तो जाती है लेकिन ट्यूब किसी काम की नहीं रहती है। उस केस में जो पेशेंट्स हैं उनको तुरंत हम IVF स्पेशलिस्ट के पास आना चाहिए। चौथी चीज़ वो है अगर शुक्राणु नहीं आ रहे हैं हस्बैंड के या शुक्राणु बहुत कम है, तो ऐसी बहुत कम दवाइयां हैं जो कि शुक्राणु काउंट को इतने बढ़ा देंगे कि वो नॉर्मली कंसीव हो जाते हैं, उन सारे पेशेंट्स को भी हमारे IVF की ज़रूरत पड़ती है। तो पेशेंट्स को उन केस में अपना समय नहीं गंवाना चाहिए और इधर उधर भटकना नहीं चाहिए और कुछ भी दवाइयाँ इधर उधर की नहीं लेनी चाहिए और IVF जल्दी से जल्दी करा लेना चाहिए। पेशेंट्स को ये नहीं डरना चाहिए कि हम IVF स्पेशलिस्ट के पास आएंगे तो हम उनका IVF कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जैसे 100 अगर 100 मरीज़ हमारे पास आते हैं और उनकी पहले से जांच नहीं की होती है तो उसमें से 20% तो हमारे कुछ दवाइयों से ही ट्रीट हो जाते हैं। उसके बाद जो बचते हैं लगभग 50% उन्हीं का IVF का ज़रूरत होता है, या तो उनके IUI बहुत बार फेल हुए होते हैं, 3-4 बार IUI फेल होते हैं, तब भी IVF करना पड़ता है। कुछ पेशेंट जिनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, जिनको हम अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी बोलते हैं, उनका भी हम लोग IVF करते हैं, क्योंकि उनको शादी के बहुत साल हो जाते हैं, 7-8 साल हो गए लेकिन बच्चा ही नहीं ठहरा है और उनको कोई तकलीफ नहीं है, इस केसेस में भी हम IVF करते हैं। तो बेसिकली आप समझो कि जो स्पर्म के प्रॉब्लम्स होते हैं उनमें हम IVF करते हैं और उनमें सक्सेस रेट IVF का काफ़ी अच्छा होता है।
जिन फीमेल्स के अंडे ही नहीं बनते, अगर उनके अंदर अंडे नहीं हैं तो उनके भी आईवीएफ होते हैं, गर्भाशय के कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं उनमें आईवीएफ होते हैं, अगर आपके 3-4 बार आईवाई फेल हो गए हैं तो उनमें आईवीएफ होते हैं। तो ये सब कुछ एक रूल्स हैं जिनके तहत हमें आईवीएफ करना पड़ता है, और आईवीएफ करके पेशेंट को जल्दी से जल्दी हमें मातृत्व का सुख देना होता है। बिकॉज अगर हम टाइम रहते आईवीएफ नहीं करेंगे तो इन पेशेंट्स का बाद में, या अगर बढ़ती उम्र है उस केस में भी हमें आईवीएफ करना पड़ता है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कैंसर के रोगी होते हैं, जो अपने हमारे पास अंडे प्रिजर्व किए होते हैं या स्पर्म प्रिजर्व किए होते हैं, उनका भी आईवीएफ के द्वारा उन्हीं के शुक्राणु और उन्हीं के अंडों से बच्चे पैदा होते हैं। तो अगर आप जितने जल्दी आईवीएफ स्पेशलिस्ट के पास आओगे, वो आपको सही तरह से गाइड कर देंगे और आपको ये बताने में सक्षम होंगे कि आपको आईवीएफ की कब ज़रूरत है और रिक्वायर्ड है या नहीं है, और अगर आईवीएफ की रिक्वायर्ड है तो समय रहते आईवीएफ करके आपको मातृत्व का सुख दे सकेंगे, जिससे कि आपको, कोशिश हम यही करते हैं कि आपको डोनर यानी किसी और के अंडे, शुक्राणु या सरोगेसी की ज़रूरत नहीं पड़े।